हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बाय शिखा ब्रोल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जो हमारा थर्ड सेक्शन था इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोलकेन एंड हेलोवेरिन्स, दैट इज रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो आज हम लोग सी पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल कैसे रिएक्ट करेगा और कौन कौन सी रिएक्शंस देगा उसको स्टडी करेंगे। इसमें हमारे जो सब डिविजन्स रहेंगी, एक रहेगी इलेक्ट्रोफिल, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड रहेगी हमारे पास पोल रिएक्शन, थर्ड है हमारे पास यहाँ पे रिमर टिमर रिएक्शन, और फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। फिफ्थ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। तो इस वाले सेक्शन में, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये पांच जो केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स, ये कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस जिसमें इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता है, और एरोमेटिक मींस बेंजीन रिंग होगी, एरोमेटाइजेशन होगी, और सब्स्टिट्यूशन होगी, बेंजीन रिंग के एक एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, नॉर्मली वो हाइड्रोजन होता है। देन सेकेंड पोल रिएक्शन होगी, रिमर टिमर रिएक्शन, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट रिएक्शन हम शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको इस रिएक्शन के नाम से पता लग रहा है कि हम लोग इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे एरोमेटिक रिंग के ऊपर, मीन्स फिनोल के ऊपर। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग अपना रिएजेंट लेंगे, दैट इज फिनोल, और फिनोल में हम लोग एडिशन करेंगे डिल्यूट HNO3 की, जिसमें करनी है नाइट्रेशन, और NO2 जो ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसको लिखते हैं हम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और इसको हम बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल, क्योंकि ये पोजीशंस जो है ये ऑर्थो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज पैरा पोजीशन, और ये होती है मेटा पोजीशन। तो इसके बारे में आपको पता है, इसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग की है ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन। तो यहाँ पे होना है NO2 का अटैक, तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल जाएगा यहाँ तो ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे, और इसका रीजन है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था एसिडिटी ऑफ फिनोल, उसमें देखा था कि नेगेटिव चार्ज या इस पोजिशन पे आता है या इस पोजिशन पे आता है। तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, रीजन भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप एज अ पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा, तो वहां जाएगा जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यूरिंग रेजोनेंस। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। ये हमने लिया था डिल्यूट HNO3। अगर हम लोग डिल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड यूज करेंगे, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम लोग डिल्यूट HNO3 की जगह पे कंसंट्रेटेड यूज करते हैं HNO3, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जितनी भी अवेलेबल पोजीशंस हैं नेगेटिव चार्ज आने की, उन सब पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप आएगा। रीजन भी क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है, तो इसमें जितना भी NO2 पॉजिटिव होगा वो सारा का सारा सारे अवेलेबल पोजीशंस को कवर कर लेगा ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग HNO3 होने के कारण। यहाँ पे हमारे पास HNO3 जो है, नाइट्रिक एसिड जो है, वो NO2 को
एज अ इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट कर देगा तीनों पोजीशन पे और इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। तो ये है जब हम लोग लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 और इसको बोलते हैं फिक्रिक एसिड। फिक्रिक एसिड का भी यही फॉर्मूला है, उसको यही फिक्रिक एसिड है, राइट। इसके अलावा बात करेंगे अब हम लोग जो हमने ऑर्थो और पैरा किया है उनको अगर हम लेंगे, कहने का मतलब है कि अगर हम लोग जो अभी देख रहे थे पहली रिएक्शन जिसमें हमने डिल्यूट HNO3 लिया है, जब एक RBF में हम लोग HNO3 ऐड कर रहे हैं फिनोल में, तब हमारे पास क्या होगा, उसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थो भी और पैरा भी। अब हम लोगों को ये देखना है कि ऑर्थो और पैरा को हमें सेपरेट कैसे करना है। इस RBF में हम लोग लेते हैं फिनोल और उस फिनोल में हम लोग ऐड करेंगे डिल्यूट HNO3। जब वो रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, वन इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, अदर वन इज पैरा नाइट्रोफिनोल। अब दोनों प्रोडक्ट इसी RBF में हैं, अब उन दोनों को सेपरेट कैसे करना है। रीजन बीइंग फिनोल लिक्विड है, उसमें डिल्यूट HNO3 डाला वो भी लिक्विड है, लिक्विड रिएक्टेंट्स और लिक्विड ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो दोनों प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है दैट इज अ स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से हम लोग जो दो प्रोडक्ट बने हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन की, तो स्टीम डिस्टिलेशन में सेपरेट करना क्यों पॉसिबल है इस चीज को देखते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, विद हीटिंग, हीटिंग की हेल्प से दो लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है। जो ज्यादा वोलेटाइल होता है वो पहले उड़ जाएगा, मतलब उसके वेपर्स पहले बन जाएंगे और उसको डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से अलग बीकर में कलेक्ट कर लेंगे, और जो बच जाएगा जो लेस वोलेटाइल नहीं होगा वो वहीं पे रहेगा, दोनों लिक्विड सेपरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग एक RBF में अगर वाटर और अल्कोहल डालते हो तो आप सबको बॉइलिंग पॉइंट्स पता है, वाटर का 100 अल्कोहल का 60 है, तो अल्कोहल मींस मिथेनॉल ले रहे हो या इथेनॉल ले रहे हो, तो 60 डिग्री जब हीट हो जाएगा RBF तो इसमें से अल्कोहल के वेपर आने शुरू हो जाएंगे। उन वेपर्स को हम लोग जहाँ कलेक्ट करेंगे जब वो ठंडे होंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो बीच में बच जाएगा वो होगा वाटर। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन जिसमें हम लोग दो लिक्विड्स को, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल को भी सेपरेट करते हैं। अब इनमें से कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है और कौन सा कम वोलेटाइल है, आपके पास जो पैरा वाला है दैट इज दिस वन, इसकी क्या होगी अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो ऑर्थो वाला होता है उसके अपने ही मॉलिक्यूल के साथ इंट्रा मॉलिक्यूलर हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये जो है ये मोर वोलेटाइल है और ये लेस वोलेटाइल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए जो पैरा नाइट्रोफिनोल है वो लेस वोलेटाइल होने के कारण वो RBF में रह जाएगा, और जो ऑर्थो वाला है हीट करने पे वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन याद रखना है अगर आपको पूछा जाए व्हाई पैरा नाइट्रोफिनोल इज लेस वोलेटाइल, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आप इसमें हैलोजिनेशन करते हो, ये अपने की है नाइट्रेशन, इसको भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अभी आप लोगों ने नाइट्रेशन की है, नाइट्रेशन में किसकी एडिशन हुई HNO3 की और NO2 ग्रुप लगा। अगर हम लोग करें हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन जब करनी है दैट मीन्स हैलोजन ऐड करना है, तो उसमें हम Br2 ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड। हम लोगों ने एक फिनोल ली, इस फिनोल में हम लोगों ने ऐड किया Br2 CS2, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना अगेन एक बना ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और एक बना पैरा ब्रोमोफिनोल। ये दो प्रोडक्ट बने हमारे पास, इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और यहाँ पे टेम्परेचर होगा 273 केल्विन। अब यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट जो है ये मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट होगा माइनर। रीजन क्या होगा, क्योंकि ये पैरा है तो पैरा में हमारे पास देखो
जो सिमिट्री ज्यादा आ रही है, सिमिट्री होने के कारण ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल होने के कारण ये मेजर बनेगा। फिर भी केमिस्ट्री में एक फिनोमिना है, या हम बोल सकते हैं एक फंडा लगता है कि जो चीज ज्यादा स्टेबल है वही एग्जिस्ट करती है, जो कम स्टेबल है वो कम एग्जिस्ट करती है, या वो माइनर होती है प्रोडक्ट, जो ज्यादा स्टेबल है वो मेजर बनता है। तो यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट बना और ये माइनर प्रोडक्ट बना, एक तो स्टेबिलिटी आ गई पैरा और ये पोजीशंस जिसमें सिमेट्री आ रही है इधर नहीं है। दूसरी चीज आएगी इसका साइज, इसका बड़ा साइज है, यहाँ पे रिपल्शन होने के चांसेस ज्यादा है जिसके कारण ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, और यहाँ रिपल्शन मिनिमम है तो ये ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्ब रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, फिनोल, फिनोल में हम लोग ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारे पास बनता है फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड में आप लोग ऐड करोगे कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एच पॉजिटिव जो एसिड से आ रहा है, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे आ गया एसिड, ये प्रोडक्ट बना। इस एच पॉजिटिव ने इस एन ए को रिप्लेस किया और एच पॉजिटिव आया। ये है आपके पास सेकेंड रिएक्शन, दैट इज कोल्ब रिएक्शन। इसके बाद थर्ड रिएक्शन है रिमर टिमर रिएक्शन। रिमर टिमर रिएक्शन में क्या होता है, अगेन हम लोग फिनोल लेंगे और इसमें भी हमारे पास फिनोल की ही रिएक्शन है, होगा क्या फिनोल इसमें रिएजेंट ऐड होंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, साथ में होगा एक्वस NaOH। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा एक उसमें फिनोक्साइड आ जाएगा ON में और दूसरा यहाँ पे आ गया CHCl2, ये बन गया इंटरमीडिएट क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इंटरमीडिएट को। इसमें हम लोग ऐड करेंगे NaOH और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इस वाली पोजीशन पे एल्डिहाइड आ जाएगा। CHO यहाँ पे आ गया OH, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया सैलिसिलिकेसिड, ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया सैलिसिलिकेसिड। इस पोजीशन पे आ गया एल्डिहाइड। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फोर्थ रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन होगी फिनोल की, तब हमारे पास प्रोडक्ट होगा बेंजीन बी, जिसकी होगी रिडक्शन प्लस जिंक ऑक्साइड, और लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ये फिफ्थ रिएक्शन कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। जब फिनोल की ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास बेंजो क्विनोन बनेंगे। इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड रह गए रिंग में और रिएजेंट लगेगा Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये पांच रिएक्शंस है फिनोल्स की। तो आई होप ये चीजें आपको कवर हो गई होंगी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस की PDF ले लेना और कोशिश करना उन क्वेश्चंस को करने की, जहाँ प्रॉब्लम आए आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड डू सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।